तो स्टूडेंट्स ये है कुछ सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस जैसे कि जब वह लौटेगा तब मैं बाहर जाऊंगा, तभी भिखारी आ गया, जब पिताजी आएंगे तब वे मिठाइयाँ लाएंगे। अभी यदि मैं इनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कहूँ तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, लेकिन आज का मेरा ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद लास्ट में मैं आपको ऐसे ही सेंटेंस दूंगा और आप उन्हें ट्रांसलेट करेंगे और इतनी आसानी से ट्रांसलेट करेंगे जैसे छुरी से मक्खन को काटना हुआ। यकीन मानिए कि आपको वो ट्रांसलेशन बहुत ही आसान लगने लगेंगे। तो स्टूडेंट्स वेलकम टू एक्सेलेंस क्लासेस, और आज का ट्रांसलेशन लेक्चर है वो माय सीक्रेट सीरीज का छठा वीडियो लेक्चर है, और ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन की जो सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूं कि जिनको आप जो आपको बिल्कुल नए सेंटेंस लगेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और एक भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आपने एक भी स्टेप स्किप कर दिया तो पता नहीं किस नियम का सेंटेंस आपसे छूट जाए। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि ऐसे सेंटेंस हमारे किस प्रकार से ट्रांसलेट होते हैं। तो स्टूडेंट्स इन सेंटेंस को देखिए कि ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ये हमें समय की सूचना देते हैं, टाइम की सूचना देते हैं। जैसे कि एक कल एक सभा है, आज रात एक पार्टी है, शाम में प्रीति भोज है, अर्थात प्रत्येक सेंटेंस आप देखिए कि टाइम बता रहा है, और टाइम बताने के साथ साथ आपको इसमें एक और चीज क्लियर हो रही होगी कि इसमें जो सब्जेक्ट हमारा है वो इनडेफिनिट है, मतलब पता ही नहीं कौन सा सब्जेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम लोग, जैसे मैंने पहले ही वीडियो लेक्चर बताया कि जिस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट ना पता लग रहा हो, सब्जेक्ट ना क्लियर हो रहा हो, वहां पे देयर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देयर का यूज करेंगे और देखते हैं इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से होता है। ट्रांसलेशन करने से पहले ऐसे सेंटेंस की पहचान जान लेते हैं हम लोग। पहली पहचान हमारे पास है कि तो ये कुछ इसकी पहचान है कि ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है अनिश्चित रहता है, ऐसे सेंटेंस में वर्ब होना का प्रयोग होता है, यानी पार्टी है या सभा होनी है या पढ़ाई होनी चाहिए, इस प्रकार से होना का प्रयोग होगा, और सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग किया जाता है। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं कि कल एक सभा है, तो यहां पे हो जाएगा देयर इज अ मीटिंग टुमारो। देयर इज अ मीटिंग टुमारो। तो स्टूडेंट्स ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस देख के आप लोग भागेगा नहीं, क्योंकि इसमें धीरे धीरे करके आपको एक से एक टिपिकल सेंटेंस, जैसा कि मैंने शुरू में ही भी दिखा दिया था कि कैसे सेंटेंस इस रूल के अंतर्गत आपको मिलने वाले हैं, तो ऐसे सेंटेंस आपको धीरे धीरे करके आपको मिलते चले जाएंगे। और फिर तो चलते हैं अपने दूसरे सेंटेंस की तरफ, आज रात एक पार्टी है, तो ये हो जाएगा देयर इज अ पार्टी टुनाइट। क्लियर। यह सेंटेंस है शाम में प्रीति भोज है, तो ये जाएगा देयर इज अ बैंक्वेट, बैंक्वेट, और फिर कब है शाम में, तो फिर इन द इवनिंग हो जाएगा ये हमारा, इन द इवनिंग। क्लियर। तो इन्हें आप नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद हम लोग इसके अगले रूल की तरफ पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ सेंटेंस ऐसे लिखिए, जैसे देखिए वह आज सुबह में आई, वह शाम में लौटेगा, वह सोमवार को आएगा, राधा पिछले महीने आई। तो ऐसे सेंटेंस जो हमें मिलते हैं हिंदी के स्ट्रक्चर में वो ऐसे मिलते हैं कि समय सूचक शब्द, यानी शाम में, सोमवार, पिछले या आज, फिर संज्ञा या सर्वनाम, फिर क्रिया यानी वर्ब। तो अब वर्ब क्या है, जैसे आएगा या लौटेगा, ये टाइप के जो सेंटेंस वर्ड हमारे पास आते हैं यही वर्ब होते हैं। इनको जब भी हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं वो कुछ इस प्रकार से करते हैं कि नाउन या प्रोनाउन पहले लगाएंगे हम, नाउन या प्रोनाउन जो हमारा सब्जेक्ट होगा, इसके बाद हम लोग यूज करेंगे वर्ब का, यानी वर्ब जो उसमें दी रहेगी वर्ब का यूज कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग लगा देंगे कि प्रीपोजिशन जो समय दिखा रहा हो, टाइम दिखाने वाले शब्दों को दिखा देते हैं, इसे टाइम डिनोटिंग वर्ड, टाइम डिनोटिंग वर्ड जो टाइम समय दिखा रहे हैं उनको हम लगा देते हैं।
तो ऐसे हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, वह आज सुबह में आई, तो शी, और फिर वन केम, और फिर क्या है टाइम डिनोटिंग वर्ड क्या है इसमें, आज सुबह में, तो इन टुडे मॉर्निंग। अगला सेंटेंस हमारे पास है वह शाम में लौटेगा, तो इसको जगह ही रिटर्न्स, यहां पे लौटेगा है इसका मतलब फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही है, ये इसका जो लौटेगा, ये ऐसे टाइप के जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्यों होते हैं, इसके लिए मैं कहीं कभी कोई और अलग सेपरेट वीडियो लेक्चर बना दूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो लौटेगा जैसा शब्द है जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्यों जाते हैं, ये आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा ही रिटर्न्स शाम में, यानी कि इन द इवनिंग, क्लियर, ही रिटर्न्स इन द इवनिंग, वो सोमवार को आएगा। अब यहां पे सोमवार यानी कि अभी फ्यूचर संबंधित बात की जा रही है, ये प्रेजेंट में था तो हम लोगों ने यहां पे रिटर्न प्रेजेंट इंफिनिट टेंस को कर दिया, जो अभी पास का ही समय था, लेकिन ये सोमवार का टाइम दे रहा है मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि ही विल कम, अब कब आएगा सोमवार को, तो ऑन मंडे, ऑन मंडे, क्लियर। राधा पिछले महीने आई, यानी पास्ट टेंस में चला गया, राधा पिछले महीने आई, तो यहां हो जाएगा राधा केम, राधा आई, राधा केम, और पिछले महीने लास्ट मंथ, क्लियर। उम्मीद है कि ये जो रूल मैंने दिया है इस रूल के अकॉर्डिंग ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गए होंगे, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, और फिर कुछ आपको मैं इसके बाद कुछ समय सूचक शब्द आपको लिखाई दे रहा हूं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि कुछ समय सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे कैसे कहाँ कहाँ लगाया जाता है, तो इसके बाद मैं आपको समय सूचक शब्द लिखाता हूं, तब तक इसे आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये कुछ समय सूचक शब्द है, इनका प्रयोग हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ करना रहता है, जैसे कि आज सुबह में, दिस मॉर्निंग, आज शाम में, दिस इवनिंग, आज रात में, टुनाइट, इसी सप्ताह में, दिस वीक, यहाँ पे आज रात में टुनाइट लगेगा, दिस नाइट नहीं लगेगा, इसी सब महीने, इसी वर्ष, दिस ईयर, इसी जाड़े में, दिस विंटर, इसी गर्मी में, दिस समर, इसी बसंत में, दिस स्प्रिंग, अगले प्लस दिन का नाम, मतलब अगर कहा जा रहा है कि अगले सोमवार को, तो नेक्स्ट मंडे, अगले गुरुवार को, नेक्स्ट थर्सडे, क्लियर। इसी प्रकार से अगला प्लस समय सूचक शब्द हो, मैंने अगले, जैसे कहा जाता है अगली गर्मी तक, तो नेक्स्ट समर, या अगली बरसात तक, तो नेक्स्ट रेन, ठीक है, या फिर अगली रात तक, तो नेक्स्ट नाइट, क्लियर। इसी के साथ अगर कल लगा के आ जाए समय सूचक शब्द, कल यानी कल शाम तक, तो टुमारो इवनिंग, या कल शाम तक, पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, पिछले में कल की बात कर रहे हैं, तो यस्टरडे इवनिंग लिखेंगे, अगर आने वाले कल की बात कर रहे हैं तो टुमारो इवनिंग लिखेंगे, क्लियर। जो कल आने वाला है वो आगे और पीछे दोनों के लिए भी यूज किया जाता है, उसके लिए हम लोग टुमारो या यस्टरडे लगाएंगे, उसके साथ जो टाइम दिया रहेगा, ऐसे कल रात तक तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया था, तो ये पास्ट टेंस में चला गया, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कल रात के लिए यस्टरडे नाइट, और कल रात तक तुम अपना काम पूरा कर लोगे, ये आने वाले कल के लिए बात की जा रही है, तो यहाँ पे लगाएंगे टुमारो नाइट, क्लियर। अब समय के पहले, जैसे कोई समय दिया गया कि मैंने तुम्हें 10 दिन पहले देखा था, तो 10 दिन एक समय हो गया, और के पहले, तो यहाँ पे 10 डे एगो हो जाएगा, मैंने तुम्हें 2 सप्ताह पहले देखा था, तो 2 सप्ताह समय हो गया, और के पहले एगो लगा दिया जाएगा, तो 2 वीक एगो लगा दिया जाएगा। फिर आ जाएगा गत और समय सूचक शब्द, यानी गत कहा गया कि गत रविवार, तो लास्ट संडे, गत वर्ष, तो लास्ट ईयर, गत अगस्त में, तो लास्ट अगस्त, क्लियर। तो इन वर्ड्स को आप नोट कीजिए, फिर इसके बाद कुछ और वर्ड्स इसी कैटेगरी में है, उन्हें मैं आपको लिखाता हूं। तो इसी कैटेगरी में और सर्ट वर्ड्स है हमारे पास, समय को तक, यानी कोई टाइम दिया गया है जिसे रविवार तक या जनवरी तक, तो यहां पे हम लगाएंगे कि रविवार तक,
तो बाय संडे, या रविवार को तो ऑन संडे, या जनवरी तक तो बाय जनवरी, या जनवरी को तो ऑन जनवरी। इसी प्रकार से अगर माह या वर्ष दिया है उसके बाद मे लगाया गया है, यानी कि फरवरी में तो इन फरवरी डाल देंगे, या अक्टूबर में तो इन अक्टूबर डाल देंगे। लेकिन अगर वहीं पर कोई दिन का कोई भी समय दिया गया, सुबह दी गई, दोपहर दिया गया, शाम दिया गया, आधी रात दिया गया, कोई भी समय दिन का दिया गया और वहां पे मे लगा हुआ है, तो वहां पे इंदा का प्रयोग करेंगे। क्लियर? यानी कि अगर वर्ष या माह दिया गया उसमें मे लगा हुआ है तो हम लोग इन लगाएंगे, और अगर दिन का कोई समय दिया गया है और उसमें मे लगा हुआ है तो हम लोग इंदा का प्रयोग करेंगे। क्लियर? और इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कि एक नोट है कि दिस नेक्स्ट या लास्ट, किसी भी सेंटेंस में दिस नेक्स्ट या लास्ट लिखा जाए और उसके पहले इन और एट या इससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसकी हम दूसरी कैटेगरी लिखाते हैं आपको। तो अगले नियम के अनुसार ये होता है कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का प्रयोग होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग होता है। अब पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, इन दोनों को मैंने आपको क्लियर कर रखा है कि कोई भी समय अंतराल बता रहा हो तो वहां पे फॉर का प्रयोग करेंगे, और कोई निश्चित समय बता रहा हो तो वहां पे हमें सिंस का प्रयोग करेंगे। कुछ यहाँ पे टाइम डिनोटिंग वर्ड्स मैंने आपके लिए लिखे, जैसे दाउ नाउ माने अब, देन माने तब, जस्ट देन माने तभी, और फिर टुडे माने आज, टुमारो माने कल, यस्टरडे माने बीता हुआ कल, सून माने जल्दी, शॉर्टली माने जल्दी ही, जस्ट माने अभी, जस्ट नाउ माने अभी अभी, प्रेजेंटली माने अभी अभी। इसी प्रकार से इसमें कई सारे वर्ड है जो कि टाइम को, समय को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इन्हें आप नोट कर लीजिए, और ऐसे सेंटेंस में आपको ये सारे वर्ड्स बहुत काम आने वाले हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ बिफोर, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग होता है। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो अगले नियम के अनुसार कि ऐसा सेंटेंस कोई मिल जाए आपको जिसमें दो उपवाक्य हों, पहला उपवाक्य पहले भाग में जब से आता है तथा दूसरे भाग में तब से आता है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को जो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो जो हमारी प्रिंसिपल क्लास होती है उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, और जो हमारी एडवर्ब क्लास होती है इसको हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, और दोनों के बीच में हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस हमने एग्जांपल ले लिया कि उसने जब से कार्य आरंभ किया तब से 5 घंटे बीत चुके हैं, तो यहां पे इसका ट्रांसलेट करेंगे 5 आवर्स हैव पास्ट सिंस। अब उसने जब से कार्य आरंभ किया है तो सिंस ही बिगेन टू वर्क। अब यहां पे सिंस जो होगा ये इस वर्ड की इंग्लिश है, जब से के लिए, तब से की इंग्लिश नहीं लिखी जाती ट्रांसलेशन में। क्लियर? कि अब हम यहां पे जैसे ऐसा सेंटेंस आपको मिल जाए तो उसमें आपको करना ये रहेगा कि सबसे पहले आप प्रिंसिपल क्लास को देखिए और फिर सबॉर्डिनेट क्लास यानी एडवर्ब क्लास को देखिए, और तब प्रिंसिपल क्लास को आप उठाइए और उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट कर दीजिए, और फिर सिंस का यूज कीजिए, और फिर जो एडवर्ब क्लास होती है वो हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कीजिए। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर हम लोग अगले नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ मैं उन सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि जो मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, जिनको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है वो लाइक करते रहें, और साथ ही साथ उन दोस्तों को भी शेयर करते रहें। अब चलते हैं अपने अगले रूल की तरफ। अगला रूल कुछ इस प्रकार से है कि जब सेंटेंस में हमें जब तब का प्रयोग देखने को मिल जाए, कि जब वो घर आएगा तब मैं खाना खाऊंगा, जब वो स्कूल जाएगा तब मैं खेलूंगा, इस टाइप के सेंटेंस आपको देखने को मिल जाए, तो इस टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए कुछ मैं स्ट्रक्चर का एक चार्ट आपके सामने बनाई दे रहा हूं। उस चार्ट को आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर जब तक चार्ट आप याद नहीं करेंगे तब तक इस टाइप के सेंटेंस आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए चलते पहले उस चार्ट को हम देखते हैं कि चार्ट हमारा कैसा है। तो यहां पे एक चार्ट, एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है कि इसे प्रिंसिपल क्लास, इसके साथ हम लोग एस को एक एस लगाएंगे, फिर व्हेन लगाएंगे, और फिर एज लॉन्ग एज लगाएंगे, बिफोर या आफ्टर लगाएंगे, एज वाई लगाएंगे, एज या वाई लगाएंगे, टिल या अंटिल लगाएंगे, एज सून एज ये लगाएंगे, और इनके साथ हम लोग एडवर्ब की क्लास लगा देंगे। जैसे कि हम लोगों को लिखा है कि जब वह लौटेगा तब मैं बाहर जाऊंगा, पहला सेंटेंस हम लोगों ने ले लिया कि जब
वह लौटेगा तब मैं बाहर जाऊंगा। तब मैं बाहर जाऊंगा। अब इसमें आपको एक सेंटेंस दिख रहा होगा कि ये सेंटेंस दोनों फ्यूचर में है, दोनों फ्यूचर में है, लेकिन आपको केवल प्रिंसिपल क्लास को ही फ्यूचर में रखना है। जो एडवर्ब क्लास है वो हमारी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हो जाएगी। क्लियर? कि यहां पे जब ये प्रिंसिपल क्लास को हम लोग फ्यूचर में, अगर दोनों फ्यूचर मिल रही है तो प्रिंसिपल क्लास को ही फ्यूचर में रखेंगे, एडवर्ब क्लास को हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बना लेंगे। क्लियर? तो इसको आप बना लीजिए। इसके बाद इसी टाइप के कुछ एग्जांपल लेके इनको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, दो एग्जांपल हैं कि देख लीजिए कि जब वह लौटेगा तब मैं बाहर जाऊंगा, आई विल गो आउट व्हेन ही रिटर्न्स, जब तक वह नहीं लौटेगा तब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो आउट अंटिल ही रिटर्न्स। तो चलिए इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इस सेंटेंस को देखिए कि जैसे ही पुलिस पहुंची डाकू भाग गए, या फिर आपको यह सेंटेंस मिलेगा कि ज्यों ही पुलिस पहुंची डाकू भाग गए। ये सेंटेंस इस टाइप में भी मिल जाता है। तो ऐसे सेंटेंस को जब भी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ऐसे सेंटेंस की पहले हिंदी स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होता है। कि इसमें होता है, सबसे पहले हमें मिलता है प्रिंसिपल क्लॉज, और इसके बाद हमें मिल जाता है कि जो एडवर्ब क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ये दो ही मिलता है। कि जैसे ही ज्यों ही जो इसमें आता है, तो इसको जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका लिखते हैं कि सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज ये नो सूनर के रूप में रहेगी, नो सूनर, और उसके बाद हम लोग लगाएंगे देन। प्रिंसिपल क्लॉज के बाद नो सूनर, उसके नो सूनर, उसके बाद हम लोग लगा देंगे देन, और देन के बाद हम लोग लगा देंगे एडवर्ब क्लॉज। क्लियर? या फिर इसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज को नो सूनर जो लगाया है, इसमें हम लोग हार्डली का भी यूज कर सकते हैं, हार्डली, और हार्डली के साथ हम लोग देन का यूज करेंगे, और देन नहीं लगाएंगे, हार्डली के साथ हम लोग व्हेन लगाएंगे, और व्हेन के साथ बाद हम लोग एडवर्ब क्लॉज लगा देंगे। के बाद हम लोग एडवर्ब क्लॉज लगा देंगे, या फिर स्क्रेसली लगा सकते हैं, और इसके बाद हम लोग व्हेन का यूज करेंगे, या फिर उसके बाद एडवर्ब क्लॉज का यूज करेंगे। क्लियर? मतलब इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग तीन प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं, और शायद सेंटेंस भी ये तीन प्रकार से ही मिलते हैं। कि मुश्किल से मैं घर पहुंचा था कि बारिश होने लगी है, या फिर जो ही पुलिस पहुंची डाकू भाग गए, इस टाइप के सेंटेंस आपको मिलते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए ये स्ट्रक्चर अपनाया जाता है। तो आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए, इसके बाद कुछ एग्जांपल लेके इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं को ट्रांसलेट कर लेते हैं। कि जैसे ही पुलिस पहुंची डाकू भाग गए, या जो ही पुलिस पहुंची डाकू भाग गए, तो इसका हो जाएगा नो सूनर डिड द पुलिस रीच, इसका मेरे पास हो जाएगा नो सूनर Did the police reach? ये देखिए आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ये नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है, ये प्रिंसिपल क्लॉज डिड द पुलिस रीच, क्योंकि पुलिस पहुंची ये पास्ट टेंस में था, इसलिए डिड द पुलिस रीच हमने यूज किया है। फिर इसके बाद हम लोग लगा देंगे देन, देन, और फिर दूसरा जो एडवर्ब क्लॉज है वो क्या है, डाकू भाग गए, तो यहां पे लिखेंगे द रॉबर्स फ्लेड अवे। दूसरा भी पास्ट टेंस में था तो इसकी, इसीलिए इसको भी हमने फ्लेड अवे कर दिया। क्लियर? या फिर दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि जैसे ही मैं रवाना हुआ वर्षा होने लगी,
जैसे ही मैं रवाना हुआ वर्षा होने लगी। तो इसको जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसका एक हिंदी सेंटेंस ऐसे ही बनेगा कि जो ही मैं रवाना हुआ वर्षा होने लगी। तो इसको इंग्लिश में जब बनाएंगे तो हार्डली यानी मुश्किल से मैं रवाना हुआ कि वर्षा होने लगी, तो यहां पे हम लोग हार्डली का यूज कर लेंगे। अब यहां पे आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि नो सूनर या हार्डली या स्केर्सली, इसको किसी अलग अलग पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज किया जाता है। इसको आप किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हमने नो सूनर का यूज किया था, दूसरे सेंटेंस में हार्डली का यूज कर दिया। क्लियर? यहां भी आप हार्डली का यूज कर सकते थे, यहां भी आप नो सूनर का यूज कर सकते थे। तो यहां पे हमने हार्डली का यूज किया। हार्डली हैड आई स्टार्टेड। लेकिन जब भी हार्डली लगाएंगे हार्डली के साथ व्हेन का यूज करेंगे। नो सूनर के साथ हम लोग देन का यूज करते हैं और हार्डली के साथ व्हेन का यूज करते हैं। तो व्हेन, और फिर वर्षा होने लगी, ये हो जाएगा इट बिगेन टू रेन। क्लियर? तो इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले रूल की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इस टाइप के सेंटेंस को देखिए कि बिस्तर पर लेटे हुए मैं उपन्यास पढ़ रहा था। या सेंटेंस इस प्रकार से भी हो सकता है कि बिस्तर पर लेटकर मैं उपन्यास पढ़ रहा था। तो यदि आपको ऐसा कहीं सेंटेंस नजर आ जाए तो, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के दो तरीके होते हैं। एक ही सेंटेंस को दो तरीके से ट्रांसलेट किया जा सकता है। दोनों के स्ट्रक्चर में आपके लिए लिखे दे रहा हूं। पहला हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला स्ट्रक्चर में हम लोगों को पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल मिल जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ जो सब्जेक्ट बनके मिलता है वही हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो पहले में हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल मिल जाता है, फिर हो जाता है सब्जेक्ट, फिर हमें मिलता है वर्ब, और इसके बाद हम लोग यूज कर देते हैं अदर वर्ड्स जो इसके साथ अन्य शब्द आए हुए हों, अदर वर्ड्स। और दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से मिलता है कि व्हाइल का यूज कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग व्हाइल यूज कर देते हैं और व्हाइल के बाद लगा देते हैं हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल। व्हाइल के बाद हम लोग लगाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और फिर यूज करेंगे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस अदर वर्ड जो होंगे वो सारे शब्द यहां पे यूज कर दिए जाएंगे। तो अदर वर्ड। क्लियर? तो ये है स्ट्रक्चर। अब इसको इसी स्ट्रक्चर पे इसको ट्रांसलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा कि बिस्तर पर लेटे हुए मैं उपन्यास पढ़ रहा था या बिस्तर पर लेटकर मैं उपन्यास पढ़ रहा था। ये दोनों सेंटेंस एक ही है। कभी कहीं पर आपको इस टाइप का मिलेगा, कभी कहीं पर इस टाइप का मिलेगा। इस सेंटेंस पर इसमें दो कार्य एक साथ हो रहे होते हैं। ऐसे सेंटेंस में दो कार्य एक साथ हो रहे होते हैं, जैसे बिस्तर पर लेटा भी है और वो उपन्यास भी पढ़ रहा था। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें दो कार्य एक साथ हो रहे हो उनको इस स्ट्रक्चर पर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ऐसे ट्रांसलेशन में क्या होगा कि लेइंग इन द बेड ऐसे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे कि लेइंग इन द बेड, लेइंग इन द बेड, ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? आई। तो यहां पे हम लोग आई का यूज कर लेंगे। और फिर वर्ब क्या है हमारे पास? वर्ब क्या थी? पढ़ रहा था, मतलब वाज रीडिंग, वाज रीडिंग। और फिर ये वर्ब हो गई। अदर वर्ड क्या है? अदर वर्ड मतलब ऑब्जेक्ट। तो क्या पढ़ रहा था? उपन्यास, तो नॉवेल। क्लियर? और इसी को जो वाइल लगा के हम लोग ये ट्रांसलेट करेंगे तो यहां पे सबसे पहले हम लोग लिख देंगे
वाइल लेइंग इन द बेड आई वॉज रीडिंग नॉवेल। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें दो कार्य एक साथ हो रहे हो और उनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो चाहे वो प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेशन उस बता रहा हो, रहा था, या फिर पास्ट टेंस में हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं। अगर दो कार्य एक साथ हो रहे हैं तो आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का यूज करके आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट इसको देखिए कि ये सेंटेंस आया, पेड़ पर बैठकर कालिदास डाली काट रहा था। इसको जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, कि यहां पे पार्टिसिपल का यूज कीजिए, सिटिंग इन द ट्री, इन द ट्री। अब यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा इन और ऑन, क्योंकि पेड़ पर हमने भले लिखा है लेकिन इस पेड़ के अंदर ही उसने बैठा, पेड़ के ऊपर नहीं बैठा था, इसलिए ऑन हम नहीं यूज करेंगे, इन ही यूज करेंगे, सिटिंग इन द ट्री। अब फिर आ जाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, कालिदास, कालिदास, और फिर क्या है उसका वर्ब, डाली काट रहा था, तो काटने क्या हो जाए, कट, तो वाज कटिंग, और डाली का क्या होगा, ब्रांच। क्लियर? तो पिछले स्ट्रक्चर संबंधित एक एग्जांपल मैंने आपको और दे दिया, उम्मीद है कि ये एग्जांपल को ट्रांसलेट करते करते आपको स्ट्रक्चर कुछ और समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो एक और ले लेते हैं, कि बक्सा खोलकर उसने बंदूक निकाली, उसने बंदूक निकाली, बक्सा खोलकर उसने बंदूक निकाली, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बक्सा खोलकर, ओपनिंग द बॉक्स, ओपनिंग द बॉक्स। अब इसमें है उसने तो ही, और फिर वर्ब निकाली है, निकाली क्या होगा, निकालने का हो जाएगा टुक आउट, टुक आउट, क्योंकि पास्ट टेंस में था तो टेक आउट मतलब होता है निकालना, और ये पास्ट टेंस में था इसलिए हमने टुक आउट का यूज किया, तो टुक आउट, और क्या निकाली, बंदूक, गन। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता तो कुछ सेंटेंस जो आपके माइंड में है कि ऐसे सेंटेंस जिसको आप ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आइए कमेंट बॉक्स में उन सेंटेंस को लिखिए और मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको दे दूंगा। चलिए नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब यहां पे देखते हैं कुछ इस टाइप के सेंटेंस यदि आपको मिल जाते हैं, कि घर पहुंचकर मैंने स्नान किया, पत्र टंकित कर उसने डाक से भेज दिया, अर्थात एक कार्य को पूरा करने के बाद दूसरा कार्य किया गया। ऐसे सेंटेंस अगर यदि आपको मिल जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो ट्रांसलेट करना रहता है इंग्लिश में कुछ इस स्ट्रक्चर में करना रहता है, कि हैविंग का यूज करेंगे आप लोग, हैविंग, और इसके बाद हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे हम लोग, पास्ट पार्टिसिपल, फिर हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर यूज करेंगे वर्ब, और फिर अदर वर्ड, सब्जेक्ट इसके बाद हम लोग लगाएंगे वर्ब, और फिर हम लोग यूज कर देंगे अदर वर्ड। क्लियर? तो इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, घर पहुंचकर, तो यहां पे पहले का जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे, कि हैविंग रीच्ड होम, हैविंग रीच्ड होम, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा कि मैंने, तो आई, और फिर स्नान किया, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड है नहीं, तो यहां पे हो जाएगा बैथ, हैविंग रीच्ड होम आई बैथ। क्लियर? या आप लोग इसे ट्रांसलेट बैथ में ना कर पाए, मतलब ना करना चाहे, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से भी ट्रांसलेशन हो सकता है, कि हैविंग रीच्ड होम आई हैड अ बाथ, इसको भी आप लिख सकते हैं।
कि ये सेंटेंस इस प्रकार से भी लिखा है तो भी सही होगा। क्लियर? तो इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरा सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। तो स्टूडेंट अगला सेंटेंस था, पत्र टंकित कर उसने डाक से भेज दिया। तो यहां पे हो जाएगा हैविंग टाइप द लेटर। ये पत्र टंकित कर लिया उसने। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सब्जेक्ट लिखेंगे तो ही, और भेज दिया डाक से भेज दिया, तो डाक से भेज दिया तो मतलब क्या हो जाएगा, ही सेंट इट फ्रॉम पोस्ट। इसे हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं। एक हमारा ये हो जाएगा, दूसरा स्ट्रक्चर कुछ हमारे पास हो जाएगा कि हैविंग टाइप द लेटर, हैविंग टाइप द लेटर ही पोस्टेड इट। ये भी हो सकता है इसका ट्रांसलेशन। क्लियर? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं, एक आध एग्जाम अगर बचे हुए हैं तो वो भी करा देते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला सेंटेंस कुछ इस प्रकार से मिलता है कि एक कार्य होने के कारण यदि दूसरा कार्य भी हो। तो यहां पे सेंटेंस कुछ इस प्रकार से भी मिलते हैं कि सूर्य उगने पर कुहासा फट गया, रात होने पर सब घर चले गए। मतलब एक घटना हो चुकी, इसके कारण दूसरी घटना हो रही है। तो यह सेंटेंस कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से लेगा कि सब्जेक्ट प्लस हमारे पास हो जाएगा हैविंग, इसके बाद मिलेगा पास्ट पार्टिसिपल और इसके बाद मिलेगा, यहां पे सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट ही है। यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा कि एक सब्जेक्ट यहां एक सब्जेक्ट यहां तो कैसे हो गया, ये दूसरा सब्जेक्ट है यहां पे। और फिर हमारे पास आ जाएगी वर्ब, अर्थात पहला सब्जेक्ट था कि सूर्य उगने पर, तो यहां पे हो जाएगा द सन हैविंग राइजन, द सन हैविंग, और पास्ट पार्टिसिपल था तो राइजन, और फिर सब्जेक्ट था, दूसरा सब्जेक्ट क्या था, कुहासा, द फॉग, और फिर फट गया मतलब डिस्प्रेड लेकर फट गया मतलब फैल गए इधर उधर। क्लियर? दूसरा सेंटेंस हमारे पास था कि रात होने पर सब घर चले गए, तो रात होने पर सब घर चले गए, तो यहां पर हो जाएगा द नाइट हैविंग ऑल वेंट होम। क्लियर? तो ये कुछ सेंटेंस थे जिनको मैंने आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सिखाया। चलिए इन्हें नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में बताए गए जितने भी रूल्स हैं, जितने भी सेंटेंस हैं, आपको अच्छे समझ में आएंगे और आपने उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। इसका प्रैक्टिस करके आप लोग उसे सीखते रहेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।